सब्सक्राइब कीजिए करियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिल सके सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये है रीपर जिसके द्वारा हम धान और गेहूं की कटिंग करते हैं। अगली वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ वीडियो देखा था जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों इसे अलग करके घर में भी रखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये है इंजन और इसके जो आगे का जो पार्ट है वो है इसका कटिंग वाला पार्ट। तो चलिए सेटअप करना शुरू करते हैं। इस मशीन को जब आप खरीदते हैं तो आपको इससे तहत टूल भी दिए जाते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन टूल की सहायता से आप इन चारों नटों को खोल लीजिए एक बार। तो चारों नटों को खोलने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर एक चैन भी है, उसको आप ध्यान रखिएगा चैन का किस तरीके से प्रयोग करना है। तो आप उसको भी आप ध्यान रख के फिर आप इस मशीन को लगाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रीसिंग कर लेते हैं क्योंकि धान की कटाई कुछ बहुत लंबे समय तक होती है और अगर आप सभी चैन में ग्रीसिंग कर देंगे तो यह बार बार ग्रीसिंग करने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मशीन खुली रहती है। उसके बाद में अगर आप ग्रीसिंग कर देंगे तो सभी चैन में आराम से लग जाता है। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे उसका मशीन चलना मतलब कि उसके जो चैन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बहुत ही आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से आपके धान को अर्थात एक तरफ करता जाएगा। तो ये थी कुछ प्रोसेस जो आपको ध्यान रखना है इस मशीन को सेटअप करते समय क्योंकि कुछ दिनों तक यह रखे रखे थोड़ा सा जंग भी लग जाता है। तो एक बार लगा देंगे तो आसानी रहती है और मशीन काफ़ी अच्छे दिनों तक चलती है। तो अब आपको करना होगा मशीन को एकदम सीधे लेके आना होगा अर्थात उसके एंगल में आप ध्यान रखिएगा उस समय एंगल कोई इधर उधर ना हो। एंगल आप आगे से मिलाते रहिएगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद में आपको चैन लगाना होगा। यहाँ पर आप चैन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लगाना होगा। बहुत ही सिंपल है। उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक आप रिंग टाइप का होता है उसको ज़रा सा उठाएंगे तो ये चैन बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। तो थोड़ा सा उसको उठा के आप चैन लगा लीजिएगा। उसके बाद में आप नट लगा लीजिएगा जिसके बाद आपका रिपर बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने इसका जो सेटिंग वाला प्रक्रिया था वो पूरा कर लिया है और अब हम इसको लेके जा रहे हैं अपने धान के फसल को काटने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि यह किस प्रकार से धान के फसल की कटाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह धान के फसल की कटाई किस प्रकार से कर रहा है। धान के फसल की आप देख सकते हैं कटाई यह बहुत ही आसान तरीके से जैसे कि एक आदमी काटता है उसी प्रकार से यह काट के और उसके गट्ठर को भी एक तरफ करता हुआ चला जा रहा है। तो इसके द्वारा कटिंग करना बहुत ही आसान है। कुछ लोग इसको पूछते हैं कि क्या इसके द्वारा हम अन्य फसल भी काट सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे अभी तक जो हमने इसका प्रयोग किया है वह धान के फसल को काटने के लिए और गेहूँ की फसल को काटने के लिए किया है। गेहूं के फसल को काटने के लिए जो हमने इसका प्रयोग किया था उसका वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह धान के फसल को एक तरफ करके आगे बढ़ता चला जा रहा है और नीचे आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे तरीके से काट रहा है जिस प्रकार आदमी को एक कटिंग करते हैं। और घुमाते समय इसी प्रकार से आपको घुमाना होता है। थोड़ा सा नीचे करके आप इसको इधर कर देंगे उसके बाद में यह फिर से कटिंग करना शुरू कर देता है। और कुछ लोगों का प्रश्न यह होता है कि क्या इस मशीन को चलाते समय हमें धक्का भी देना होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस मशीन में 5 HP का इंजन लगा होता है जिसके द्वारा इसका संचालन होता है। इस मशीन का जो 5 HP का जो मोटर है उसके द्वारा जो आगे का जो आप कटिंग वाला पार्ट देख रहे हैं वह चलता है और उसी के सहारे या नीचे का जो उसका चक्का है वह भी चलता है। तो आपको इसको चलाते समय कोई भी धक्का नहीं देना होता, यह खुद ब खुद चलता है। बस आपको इसकी ड्राइविंग करनी होती है किधर लेके जाना है किधर नहीं, बस हल्का सा आपको क्लच दबाना होता है।
अगले आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका अर्थात किस प्रकार से आप इसको चलाना सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं कि हमको इसको चलाना सीखना है, तो आपको इसका वो भी वीडियो जल्द ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यह बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यह कटिंग कर रहा है। और इसी तरीके से यह कटिंग करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और कटिंग करते समय कुछ आपको और भी महत्वपूर्ण हम आपको बातें बता देते हैं कि यह कटिंग चारों तरफ से करता है। अर्थात अगर आपका एक खेत है तो यह एक तरफ से शुरू करता है और लास्ट में आकर अर्थात जहां पर इसका जो मेन पॉइंट होता है अर्थात बीचों बीच आकर वह ख़त्म होता है। इस वीडियो के आप अंत में भी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ काटते हुए यह अंत में आके रुकता है और किस प्रकार से इसे निकालना होता है। अर्थात अगर हम चारों तरफ से धान की फसल को या किसी भी और फसल को काट देते हैं तो इसे निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि फसल चारों तरफ बिछ जाती है। तो किस प्रकार से निकालना है उसको भी हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम फसल की पूरी कटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अंत में आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप निकाल सकते हैं। कुछ और भी जानकारी हम आपको इसी के साथ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इसको सोयाबीन काटने के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सोयाबीन काटने के लिए लगभग कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसका प्रयोग करने बराबर से आता नहीं। एक बात हम आपको बता दें कि हमने इसका भी प्रयोग सोयाबीन काटने के लिए नहीं किया है, क्योंकि हमारे इधर सोयाबीन की फसल नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो इस धान की फसल की कटाई कर रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं चारों तरफ किस प्रकार से रखा है, बहुत ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रखा है, जैसे कि एक आदमी इसको काट के रखता हुआ चला जा रहा है। और इस मशीन को जो एक खासियत हम आपको बता दें कि इस मशीन का जो प्रति घंटा एवरेज है वह यह है कि आप एक घंटे में एक बीघे की जो गेहूं है या फिर अन्य फसल है उसकी आप कटिंग बहुत ही आराम तरीके से अर्थात बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे इस मशीन के द्वारा इस फसल की कटाई की जा रही है। तो देख सकते हैं फसल की कटाई अभी यहाँ तक हो चुकी है और आगे भी फसल की कटाई यहाँ पर जारी है, आप देख रहे हैं। और इतना ही अभी लास्ट में देख रहे हैं, चारों तरफ अभी कटिंग हो गया है और बीच में अभी इतना बचा है। तो ऐसा राउंड राउंड आके यह काटता है और लास्ट में यह बीच में जो बचता है उसके बाद में यह काटते हुए किस प्रकार से निकालना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। थोड़ी सी फसल और रह गई है काटने के लिए। तो कुछ इसी प्रकार से यह काटते हुए आगे बढ़ता है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी यह अंतिम में आ गया है और थोड़ा सा ही फसल बचा है। चारों तरफ से ऐसे ही आपको लेके जाना होता है और अंत में आपका यह फसल लास्ट में कट के समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी लास्ट वाला अंतिम स्टेज जल्द ही आने वाला है और ये देख सकते हैं किस प्रकार से अंतिम वाला स्टेप में इसकी कटिंग की जा रही है और थोड़ी सी अभी बची है, आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से अभी उधर से घुमा के फिर से इसको काट लेंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार से इस मशीन द्वारा आप इस जो भी धान की फसल है या अन्य फसल है उसकी कटाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में आपको उसको बताने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस मशीन को अब निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फसल की कटाई हो चुकी है, तो चलिए मशीन को निकालना किस प्रकार से है वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अब आती है निकालने की बारी उस मशीन को इस खेत से। तो आप देख सकते हैं इस खेत के चारों तरफ एक पटरी नुमा बन जाता है, जैसे कि वहाँ पर आप देख रहे हैं और उधर भी आप देख सकते हैं पटरी नुमा बन जाता है और इधर भी, तो चारों तरफ एक पटरी नुमा बन जाता है। तो आप इस पटरी नुमे पे से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे इस खेत में यहाँ पे आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अर्थात उधर पानी है और निकालना मुझे इधर ही है, तो यहाँ इसलिए इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मतलब कि उधर पानी है इसीलिए हम बीचों बीच से निकाल रहे हैं। तो फिर भी देख सकते हैं
धान का नुकसान थोड़ा सा देख सकते हैं हुआ है कि नहीं, देखते हैं। तो धान का नुकसान भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा वैसे ही चला गया है, आप देख सकते हैं वैसे ही धान सब। और कितने व्यवस्थित ढंग से आप देख सकते हैं ये मशीन काट के रखती है, आप यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं कितने व्यवस्थित ढंग से रखती है, इस प्रकार एक आदमी काट के रखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो कैसे काटती है, ये देख सकते हैं, ज़्यादा ऊपर से नहीं काटती है।